हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गुड़हल के प्लांट के बारे में कि सर्दियां शुरू होने से पहले अभी नवंबर मंथ में हम अपने गुड़हल के प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि ठंड में भी हमारा प्लांट अच्छा हेल्दी रहे और थोड़ी फ्लावरिंग करता रहे, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, पर विंटर इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। इस समय इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जो कलियां होती हैं वो भी कई बार सूखकर गिर जाती हैं और प्लांट जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, हम अपने प्लांट की केयर किस तरीके से करें, यही आज के वीडियो का विषय है। आप ये प्लांट देख रहे हैं, यह वही प्लांट है जिसे नर्सरी से लाए 2 साल हो चुके थे पर फ्लावर नहीं आ रहे थे, पत्तियां भी पीली सी हो रही थी। इस पर मैंने सितंबर में एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया था और आपके साथ शेयर भी किया था, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दरअसल ये प्लांट बालकनी में रखा था जहां इसे सुबह की 3-4 घंटे की ही सनलाइट मिल रही थी, पर जब मैंने इसे टेरेस पर फुल सनलाइट में रख दिया तो 1 महीने में ही इसकी रंगत बदल गई। अब आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां कितनी हरी भरी हो गई हैं और कलियां भी ढेर सारी बन रही हैं और फ्लावर भी बड़े बड़े खिल रहे हैं। इसके फ्लावर 1 दिन ही रहते हैं और दूसरे दिन मुरझा जाते हैं, पर लगते बहुत ही सुंदर हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, सर्दियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है पर थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है। ये एक परमानेंट प्लांट है, बस एक बार ही इसे नर्सरी से लाकर हमें इसे लगाना है, फिर सालों साल ये हमारे गार्डन में बना रहता है। तो प्लांट को अच्छा हेल्दी रखने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि अपने प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रखना है। अब दूसरा महत्वपूर्ण काम जो अभी नवंबर मंथ में हमें करना है वो है इसे फर्टिलाइज़र देने का। ये हैवी फीडर प्लांट है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए इसे न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्टूबर मंथ में मैंने इसे वर्मी कंपोस्ट और एप्सम सॉल्ट दे दिया था और अब मैं इसे दे रही हूँ प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें काफ़ी सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटाश, फास्फोरस, जिंक, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर मैं आज ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सॉइल अभी काफ़ी गीली है, तो गीली सॉइल में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है क्योंकि सॉइल उसे ले ही नहीं पाएगी और ड्रेनेज होल से ये पास आउट हो जाएगा। तो हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते समय देखना है कि सॉइल हमारी ड्राई होना चाहिए। और ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी है। इस पॉट में ये 2 प्लांट एक साथ लगे हुए हैं, रेड कलर और वाइट कलर। अभी देखिए इसमें काफ़ी सारी कलियां आ रही हैं, ये देखिए। पर जब दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है तब ये प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो उस समय हमें इन्हें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो इस प्लांट में आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां, ये देखिए इस तरीके से सुकड़ रही हैं, तो इसे न्यूट्रिएंट्स की ही कमी है। तो मैं इसे दे रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी और थोड़े से दाने ये लिए हैं DAP के और ली है नीम की खली और इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं ये एप्सम सॉल्ट। ये देखिए बस इतना ही हमको डालना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इन सबको
मिक्स कर लेंगे। और देखिए इसमें मिट्टी ज़्यादा है, सॉइल थोड़ी ऊपर तक है, तो ऊपर की पहले 1 इंच तक की या 2 इंच तक की सॉइल हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी ऊपर की 1-2 इंच तक की सॉइल ये निकाल ली है। और बस अब इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, किनारे किनारे बस आपको डाल देना है, जड़ों के एकदम पास में नहीं डालना है। बस अब जो सॉइल निकाली थी उसी से इसको कवर कर देंगे। बस अब हमारा प्लांट सर्दियों में भी हेल्दी रहेगा। अब तीसरा काम जो हमें करना है वो है पेस्टिसाइड डालने का, क्योंकि इसमें अक्सर मिलीबग या दूसरे कीड़े लग जाते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें अभी धीरे धीरे लगना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, तो इस तरीके से इसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो पेस्टिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो 15 दिन में एक बार ज़रूर करें, चाहे कीड़े लगे हों या ना लगे हों। तो ये 3 काम यदि आप अभी कर लेंगे तो आपका प्लांट विंटर में ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं, और फरवरी एंड आते आते इसमें फिर से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तब आप इसमें फिर से फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। रिपॉट करना चाहें तो उस समय आप इसे रिपॉट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।